आगे बढ़ते हैं। अब अनरूली पैसेंजर्स को काबू में करने के लिए एयर इंडिया ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ऐसे पैसेंजर्स के खिलाफ एयर इंडिया न सिर्फ कानूनी कार्रवाई करेगी बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी लगाएगी। नए नियमों के मुताबिक किसी पैसेंजर के अनरूली व्यवहार के चलते उड़ान में एक घंटे तक की देरी होती है तो उस पर 5,00,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर देरी 1 से लेकर 2 घंटे की होती है तो जुर्माना बढ़ाकर 10,00,000 कर दिया जाएगा। 2 घंटे से ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर पर 15,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मेरे सहयोगी समीर से बात करते हैं। समीर, कितना बड़ा कदम एयर इंडिया की तरफ से इसे माना जाए? एयर इंडिया की तरफ से ये बड़ा कदम है, जिसमें अगर यात्री के व्यवहार के चलते फ्लाइट में देरी होती है तो उस पर आर्थिक जुर्माने लगाने की बात है। यही नहीं, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर फ्लाइट में 1 घंटे या 2 घंटे या उससे ज़्यादा की देरी होती है और वजह यात्री का व्यवहार है, उसका दुर्व्यवहार है, तो उस पर 5,00,000 रुपये से लेकर 15,00,000 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, कानूनी कार्रवाई के तहत भी उसका नाम शामिल किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनरूली फ्लाइट की जो लिस्ट बनाई जाएगी एयरलाइन की, जिसको बाकी एयरलाइन भी मानेंगे, उसमें भी एक बार अगर यात्री का नाम आ जाता है तो ये उसके खराब ट्रैक रिकॉर्ड में एक बड़ी वजह बन सकती है। जी जी, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए आपका। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सब्सक्राइबर का दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है, जिसमें सभी सब्सक्राइबर्स को अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग EKYC यानी नो योर कस्टमर के जरिए सभी सब्सक्राइबर्स का दोबारा वेरिफिकेशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2017 को एक याचिका की सुनवाई के बाद सरकार से सभी मोबाइल सब्सक्राइबर्स का री वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया था। तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो 1 साल के अंदर सभी सब्सक्राइबर्स का री वेरिफिकेशन करा लेगी। इसके बाद ही ये नया फॉर्म जारी किया गया है। सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में विज्ञापन या फिर SMS के जरिए जानकारी देनी होगी। शेयर मार्केट की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,150 के स्तर को भी पार किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 48 अंक निफ्टी 11 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही और BSE रियल्टी इंडेक्स करीब 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। तेल, गैस, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी दिखी। साथ ही मेटल, टेलीकॉम और पावर शेयरों में आज बिकवाली रही। It's too expensive, I think, it's discounting too much in FY18 and now the geopolitical risks are starting to emanate, but I think this is going to be a very testing year for the markets. I know you're hearing targets of 10,000 on the Nifty, पर मुझे पता नहीं कि किस बेसिस पे ये टारगेट्स आते हैं। मुझे डर लग रहा है कि valuations are well ahead of where they should be and earnings growth will not keep up. TCS के शेयर बायबैक को मंजूरी मिल गई है। TCS के शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी। शेयर होल्डर्स ने 2,850 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक को मंजूरी दी है। उधर इन्फोसिस ने भी 13,000 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया है। सरकार ने अब तक के सबसे बड़े विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सरकार ने 7 सरकारी कंपनियों में ऑफर फॉर सेल के लिए मर्चेंट बैंकर्स के लिए बोलियां मंगवाई हैं। सरकार का इस वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए रखा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा लक्ष्य है। मौजूदा भाव पर 7 कंपनियों के विनिवेश के बाद सरकार को 34,200 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार की योजना 11 रेल PSUs को भी लिस्ट कराने की है। सब्सिडी लीकेज रोकने के लिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार जल्दी 500 से ज्यादा स्कीम में DBT सिस्टम लागू करने जा रही है और इसे वेलफेयर से जुड़ी सभी सब्सिडी वाली स्कीमों में लागू किया जाएगा। स्कीम को लागू करने के लिए 63 मंत्रालयों और इनसे जुड़े विभागों की पहचान कर ली गई है। वित्त मंत्रालय ने इन विभागों से बातचीत भी शुरू कर दी है। सरकार ने अगले साल तक सभी स्कीम्स में DBT लागू करने का लक्ष्य रखा है। अभी DBT से जुड़े 84 स्कीम में 33,50,00,000 लोगों को फायदा हुआ है और 2 साल में सरकार को 36,000 करोड़ की बचत भी हुई है। अभी 26 मंत्रालयों के 137 स्कीमों में DBT लागू है।